नमस्कार दोस्तों, मैं अमरेंद्र चटर्जी जी। होप आप लोग सारे अच्छे हो और मेरा चैनल ट्रैवल मोमेंट्स में आपका स्वागत है। मैंने पिछले महीना सितंबर 2019 में एक ट्रिप किया था, जो कि कुछ प्लेसेस मैंने कवर की थी हिमाचल प्रदेश की, जो कि सांगला, रक्षम, चितकुल, कालपा, ये सारे चीज़ सारी जगह मैंने कवर की थी बाइक में। तो पिछले इतने भी ट्रिप, जितने भी वीडियोस मेरा यूट्यूब में है, सारे मैंने पब्लिक ट्रांसपोर्ट में ट्रैवल की थी। पब्लिक ट्रांसपोर्ट लाइक HRTC, PRTC, हरियाणा राष्ट्र परिवहन, उत्तर प्रदेश राष्ट्र परिवहन, जो जितने भी ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ट्रांसपोर्ट की है, मैंने हेल्प ली थी। और इस बार मैंने बाइक पर सफ़र की। टोटल डिस्टेंस दिल्ली से सांगला की 575 किलोमीटर। तो मैंने इस ट्रिप का वीडियो डालने वाला हूँ यूट्यूब में। इस ट्रिप का दो पार्ट रहेगा, पार्ट वन एंड पार्ट टू। पार्ट वन में बेसिक इन्फॉर्मेशन रहेगा जो मैं आपको कह रहा हूँ, डिस्टेंस कितना दिल्ली से सांगला की, और रोड कंडीशन कैसे है, वेदर कंडीशंस कैसे है, सीनिक प्लेसेस नियर बाय क्या क्या है, ये सारी चीज़। एंड पार्ट टू में पूरी वीडियो क्लिपिंग रहेगा, फोटोज रहेगा, जो जो मैंने वीडियो क्लिप खींचे थे वो सारे चीज़ इसमें रहेगा। तो पार्ट वन में अगर बोला जाए कि डिस्टेंस दिल्ली से सांगला की अप्रॉक्स 575 किलोमीटर, एंड वेदर कंडीशंस जब उस टाइम सितंबर 26 में लगभग 6 डिग्री सेंटीग्रेड था, बहुत ठंड था उस टाइम। तो ये रिकमेंडेशन है कि आप लोगों के पास अगर जैकेट वगैरह वार्म क्लॉथ्स गर्म कपड़े हैं तो जरूर लेके जाइए, उसमें आपको हेल्प होगा। क्योंकि वेदर कंडीशन कभी बोला नहीं जा सकते, वहाँ पे कभी बहुत ठंडा हो सकता है, कभी धूप भी आ सकती है। तो इसलिए कह रहा हूँ कि गर्म कपड़े जरूरी है नहीं जाना। और सीनिक प्लेसेस की बात किया जाए तो सांगला में सांगला की मोनेस्ट्री है, कामरू फोर्ट है, और सांगला से चित्कुल जाने का वक्त कुछ बढ़िया बढ़िया प्लेसेस पड़ती हैं, लाइक 2 से 3 ब्रिजेस पड़ते हैं, और ब्रिज के साइड में आपको वाटरफ्लो मिलेगा, वाटरफॉल भी है, और फोटोग्राफी करने के लिए और घूमने के लिए काफ़ी अच्छी जगह है। आप अगर कुछ देर खड़े भी रहोगे तो अच्छा लगेगा। जाते वक्त सांगला से चित्कुल जाते वक्त काफ़ी सीनिक प्लेसेस आपको पड़ेगा, आप देखने को मिलेगा और अच्छे भी लगेगा देख के, शांति शांति का प्लेसेस है। मगर चित्कुल में एक दिन बिताना, चित्कुल में एक दिन बिताना सही है, मोर देन वन डे इज नॉट ए ग्रेट थिंग, बिकॉज कुछ देखने का ऐसे है नहीं चित्कुल में। वो लास्ट बॉर्डर है, उसके बाद टिबेट शुरू हो जाते हैं, और वो इंडियन नॉर्मल इंडियन सिविलियंस को अलाउ नहीं करते हैं बॉर्डर फोर्स उधर जाने को, और एक जन्माष्टमी के दिन में अलाउ किया जाते हैं इंडियन सिटीजन्स को क्रॉस करना बॉर्डर। मैंने भी सुना है बस, तो वही है चित्कुल में, और कुछ देखने का नहीं है। पता नहीं, मैंने ब्लॉग में और इंटरनेट में स्टडी किया था चित्कुल के बारे में, बहुत कुछ लिखा गया चित्कुल इज अ वंडरफुल प्लेस लाइक दैट, और मुझे ऐसा कुछ कुछ भी नहीं लगा चित्कुल में जाके। ठंड है, सिर्फ वैसे सही चित्कुल में फोटोग्राफी कर सकते हो, मगर ऐसे कुछ खास कुछ नहीं है चित्कुल में, वो बस इस मानता एंड विलेज ऑफ इंडिया। तो यही सारी चीजें है पार्ट वन में जो आपको बोला, बेसिक इन्फॉर्मेशन है। और पार्ट टू के लिए, पार्ट टू में कुछ दिन बाद डालूंगा, तो देखिए वीडियो को, एंजॉय कीजिए, कमेंट पे जरूर लिखिए कैसा लगा मेरा वीडियो, और लाइक करना और सब्सक्राइब करना कभी मत भूलिए। होप चलते हैं आगे, तब तक के लिए बाय।